तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है कुछ नया, कुछ हटके। तो ये वीडियो जो है एक ऐसे माइक्रोफोन के बारे में है जो आपको स्टूडियो क्वालिटी ऑडियो रिकॉर्ड करके देता है, एंड इट्स नॉट ओनली फॉर बिगनर्स, इट कम्प्लीटली फॉर प्रोफेशनल्स। तो फ्रेंड्स, ये जो है माइक है, इसका नाम है हॉलीलैंड की तरफ से आने वाला लार्क मैक्स, एंड ये जो है ऑल इन वन वायरलेस लेवलियर माइक्रोफोन सिस्टम है जो आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी में ऑडियो जो है रॉ ऑडियो रिकॉर्ड करके यहाँ पे आपको देगा। तो चलिए फटाफट करते हैं इसका अनबॉक्सिंग। तो ये जो माइक्रोफोन है, इस टाइप के बॉक्स में आपको ये मिल जाएगा। ओपन करने पर आपको यहाँ पे यूजर मैनुअल मिल जाती है। उसके बाद अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे माइक्रोफोन का जिप केस जो कि वेदर सील्ड है। तो यहाँ पे आपको डस्ट एंड पानी का झंझट ख़त्म, एंड दिस इज़ रियली हैवी। जिप केस के अंदर आपको मिलेगी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैवी मटेरियल से बना हुआ चार्जेबल माइक्रोफोन केस, जिसके अंदर आपको दो ट्रांसमीटर और एक रिसीवर मिल जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा आगे कि ये रिसीवर एंड ट्रांसमीटर कैसे वर्क करते हैं। इसके पहले हम इसके एक्सेसरीज़ को देख लेते हैं। इसके एक्सेसरीज़ में आपको दो विंडशील्ड मिल जाएंगे जो आपको विंड में प्रोटेक्ट करेंगे ऑडियो को अच्छे क्वालिटी में रिकॉर्ड करने में। उसके बाद यहाँ पे 3.5 mm to 3.5 mm का एक वायर है जो कैमरा से कनेक्ट करता है आपके ट्रांसमीटर को, है ना। उसके बाद यहाँ पे आपको C-type to C-type एंड C-type to Lightning फॉर एप्पल, ये आपको दो केबल्स मिल जाती है। विद द हेल्प ऑफ दिस टू केबल्स आप जो है अपने ट्रांसमीटर या रिसीवर को अपने जो है एंड्रॉयड या एप्पल से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम प्रोडक्ट में। जो आपके ट्रांसमीटर और रिसीवर है वो इस छोटे से बॉक्स के अंदर होते हैं। इसमें आप अपने ट्रांसमीटर और रिसीवर को रख भी सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और साथ साथ इसके अंदर चार्ज भी कर सकते हैं। ये बहुत ही हैवी मटेरियल से बना हुआ है, और इसके जो दो माइक्रोफोन्स हैं उसमें 8 GB का इंटरनल स्टोरेज दिया हुआ है जो कि आपको अप टू 14 आवर मतलब 14 घंटे का आपको अनकंप्रेस्ड ऑडियो यहाँ पे रिकॉर्ड करके दे सकते हैं, और इसको आप इस बैकअप की तरह यूज़ कर सकते हैं। सपोज ये जो ट्रांसमीटर है वो आप कैमरे में लगाए हुए हैं जिसमें ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो अगर ये ऑडियो धोखे से अगर रिकॉर्ड नहीं होता है तो इसको इसके इंटरनली आप जो है माइक्रोफोन में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे रिव्यू करते हैं एक एक करके, और मैं अपना व्यू बताऊंगा कि अगर आप एक प्रोफेशनल माइक्रोफोन फाइंड कर रहे हैं, अपने लिए देख रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा कि नहीं। तो सबसे पहले अगर आप ये बॉक्स को हाथ में लेंगे, फील करेंगे, तो ये आपको फील होगा कि बहुत ही ज़्यादा हैवी क्वालिटी का ये जो है बना हुआ है। आपको बहुत ही सिक्योर फील होगा ये बॉक्स में आपके जो रिसीवर और ट्रांसमीटर है। इसके पीछे आपको USB-C type का एक ऑप्शन मिल जाएगा जिसको यूज़ करके आप इस बॉक्स को चार्ज कर सकते हैं, जिसके अंदर रखे हुए यूनिट्स ऑटोमेटिकली चार्ज हो सकते हैं, एंड हम उसे यूज़ कर सकते हैं अप टू 22 आवर्स के लिए। तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो ये आपके बहुत काम आएगी। तो जैसे ही मैं ये ट्रांसमीटर और रिसीवर को इस बॉक्स से निकालता हूँ तो सबसे अच्छी मुझे ये लगी कि ये ऑटोमेटिक सिंक करके कनेक्ट हो जाती है। एक चीज़ भी बहुत ही अच्छी लगी, ये तीनों यूनिट्स में C-type का ऑप्शन दिया गया है। इसे आप सेपरेटली यूनिट्स को चार्ज भी कर सकते हो। जो इनबिल्ट ऑडियो रिकॉर्ड हुआ है वो आप PC या मोबाइल पे इस केबल्स की मदद से आप यहाँ से ले भी सकते हो, उस ऑडियो को ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ट्रांसमीटर का मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो आप जब इसे होल्ड करते हैं या अपने कॉलर पर लगाते हैं तो ये बहुत ही प्रीमियम फील होता है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है हॉलीलैंड की लार्क मैक्स की। ऊपर के साइड ये जो डिज़ाइन दिया हुआ है ये भी बहुत प्रीमियम फील होता है। और अगर मैं इस छोटे से माइक्रोफोन या ट्रांसमीटर के फंक्शंस की बात आऊँ तो इस छोटे से माइक्रोफोन के अंदर 8 GB का इंटरनल स्टोरेज दिया हुआ है जिसको आप बिना रिसीवर के भी यूज़ कर सकते हो, इनबिल्ट रिकॉर्ड कर सकते हो इसमें ऑडियो, वो भी अनकंप्रेस्ड रॉ ऑडियो रहेगी। दूसरी तरफ आपको एक्सटर्नल लेवलियर माइक्रोफोन लगाने की भी जगह यहाँ पे आपको मिल जाएगी। नीचे आपको ऑन ऑफ का स्विच और ENC का ऑप्शन मिल जाता है। ENC का ऑप्शन बहुत ही काम का है, मैं आपको आगे बताऊंगा बाहर आउटडोर में इसमें रिकॉर्ड करके, तो वहाँ पे आप इसे देखिएगा। तो चलिए इसको हम टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे आपको दो ट्रांसमीटर मिलते हैं, एक ट्रांसमीटर तो यहाँ पे है जो अभी ऑफ है, और एक जो ट्रांसमीटर यहाँ पे मेरे शर्ट पे लगा है, और नीचे में आपको एक लेवलियर माइक्रोफोन भी मिल जाएगा जो कि मेरा पुराना बोया का माइक्रोफोन है, है ना। दोनों की आवाज़ में आप डिफरेंस देख सकते हैं। अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो मेरे पुराने माइक्रोफोन से आ रहा है जो कि बोया का लेवलियर माइक्रोफोन है, और अब जो आप आवाज़ सुन रहे हैं अभी वो आ रहा है इस हॉलीलैंड के लार्क मैक्स माइक्रोफोन से। तो आप डिफरेंस पता कर सकते हैं, बहुत ही ह्यूज डिफरेंस है। ऑडियो क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, प्रीमियम हो जाती है। यहाँ पे इसके अंदर जो है एक आपको मैग्नेटिक क्लिप भी मिल जाती है। अगर ये माइक्रोफोन आपको चाहिए कि ऐसा ना दिखे शर्ट के बाहर, तो इसको आप अंदर भी लगा सकते हैं इस मैग्नेटिक क्लिप के हेल्प से।
नॉट टॉकिंग अबाउट दिस रिसीवर, यहाँ आपको सामने टच डिस्प्ले मिल जाएगी जहाँ से आप दोनों ट्रांसमीटर को कंट्रोल कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग में आपको 3 मोड्स मिल जाएगी यहाँ पे, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। सेफ्टी ट्रैक में दोनों चैनल पर अलग अलग लेवल की साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं। इनकेस ऑडियो क्लिप हो जाती है तो आप सेफ चैनल्स के द्वारा इसको आप रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे इक्वलाइजर भी मिल जाती है, आप इक्वलाइजर एडजस्ट कर सकते हो एंड सिस्टम में जो भी सेटिंग्स है वो एडजस्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, ये एक स्टूडियो क्वालिटी ऑडियो रिकॉर्ड करके देता है, तो हम उसे चेक भी कर सकते हैं। पॉडकास्ट के लिए बहुत अच्छा है माइक, और अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं सामने में रख के, तो वो कैसे इसमें सुनाई देता है। तो ये मेरा कीबोर्ड है, इसमें किसी भी प्रकार का ऑडियो इंटरफेस फिट नहीं है। यहाँ पे ये वाला जो हॉलीलैंड का जो ट्रांसमीटर है वो मेरे कॉलर पे यहाँ पे लगाया हुआ है। अब इसे प्ले करते हैं और इसके जो साउंड की जो क्वालिटी है वो सुनते हैं हम। देखिए, तो चलिए आउटडोर पे भी चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम हैं आउटडोर कंडीशन पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आवाज़ कैसा आ रहा है, नॉइस कैसे आ रही है। तो अभी हम एक ENC करके जो इसमें ऑप्शन दिया है वो यहाँ से इनेबल करते हैं। तो ENC इनेबल करने के बाद देखिएगा कि जो नॉइस है वो कैसे कट होती है। मैं थोड़ी देर के लिए शांत रहता हूँ, देखिएगा ये इनेबल हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा साउंड कैसे आ रहा है। अभी ENC इनेबल है, अब इसको हम डिसेबल कर रहे हैं, ये बंद हो गया ENC का ऑप्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप नॉइस को अच्छे तरह से रिडक्शन कर सकते हैं। एंड लास्ट में हम इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। ये आपको 27,000 से 31,000 रुपए तक मिल जाएगी, आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन या ऑफलाइन में आप पता कर सकते हैं। ऑफलाइन में अगर पता करेंगे थोड़ी सी हो सके कम रेट में मिल जाएगी आपको, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। इसमें आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है हॉलीलैंड की तरफ से। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। कुछ भी डाउट होता है तो नीचे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हमको भी सपोर्ट मिले और हम आपके लिए नए नए वीडियो इसी तरह के ला सके। ओके, थैंक यू।